सभी मेरा गे नमस्कार दोस्तों, नाम मेरा सोनिका, मैं फुलपुर से बिलोंग करती हूँ। और वैसे तो सभी जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है। और मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो मेरे घर में संपूर्ण हनुमान जी से शुरुआत होती है, उसके बाद मिलोनी से शुरुआत होती है। और मम्मा के काफी पेन होता है ज्वाइंट्स में, और उसका जो ऑयल है उसको हम लोग यूज करते हैं। और मैं स्पीड जो है उसको भी यूज करती हूँ, और जोत है वो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, फेस वॉश तो हम लोग यूज करते हैं, इतना माइंड ब्लोइंग इसका फेस वॉश है ना, जैसे हम लोग बटना लगाते हैं लेकिन ऊपर लगाते हैं हल्दी वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि पेस्ट है ना जो होता, तो आता वो तो हमारा मतलब गुड रखती है। लेकिन मैंने एक दिन क्या ट्राई किया, मैंने स्किन पर लगा के ट्राई किया कि इसको, और एक फेयर स्किन को मैं ट्राई किया। इसको लगाने के बाद में जब मैंने ट्राई किया कि फेस वॉश जो था, पेस्ट था अपना हर्बल का, उसको लगाने के बाद में स्किन जो थी बिल्कुल सॉफ्ट थी, बिल्कुल भी जाइव नहीं कर रहा था स्किन। लेकिन जब मैंने इसका क्रीम का मैंने टच किया तो इसमें रुखापन सा आ गया। उसको मैंने फिर फेस में मैंने अप्लाई किया, और हैरानी की बात यह है कि इसको लगाने के बाद भी स्किन आपकी पूरी मतलब ठंडी ठंडी हो जाती है, और पूरा जो फेस होता है पूरा मतलब जैसे कहते हैं कि कॉटन की तरह फेस हो जाता है, बेबी के वाला फेस वैसा हो जाता है, क्योंकि स्किन हल्दी है। और हल्दी जो होती है वो एक एंटीबायोटिक होती है, और वो हमारे जो फेस की कितनी भी चीजें जो प्रॉब्लम होती है उसको आउट कर देती है। मेरे को अभी दो तीन लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, आप क्या फेशियल करके आए हैं? लेकिन ऐसा नहीं, मैं फेशियल नहीं करती, मैं सेफ शॉप का हर्बल साबुन और पेस्ट और सभी जो प्रोडक्ट है 100% वो मैं यूज करती हूँ।